पीएम मोदी की श्री अन्न योजना को आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार अब किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए किसानों को जागरूक कर रही है। वहीं सबकी जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक पुरुषोत्तम मिश्र ने बताया कि हर जिले में किसानों को वहां की जलवायु के हिसाब से मोटे अनाज को उगाने के लिए किट दी जा रही है। हर किट के साथ किसानों को उगाने के साथ ही मोटे अनाज की फसल में कितने पानी और खाद की जरूरत है यह सब भी बताया जा रहा है। और सर, यहाँ हमारा सम्मान निधि और मुख्यतः हमारी योजनाओं का स्टाल जो लगा हुआ है, इसमें हम जिसका कि हम जानते हैं कि साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, जिसमें जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसमें हम जो हमारे श्री अन्न जिनको हम कहते हैं, हमारा पहले मोटा अनाज कहते हैं, मोटा अनाज ना कह करके हमें श्री अन्न कहते हैं। इसमें हमारा मुख्य जो फसलें बाजरा है, ज्वार है, सावा, कोदो, काकुन, कुट्टू आदि फसलें इसमें आती हैं जो पहले होती थी, अब हम नहीं कर रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी हैं और किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं और कम वर्षा में हो जाती हैं, ज़्यादा गर्मी फिर भी हो जाती हैं और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो बिल्कुल सर, किसानों के इसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसका MSP बढ़ा दिया है, 2500 रुपये बाजरे का MSP हो गया है, 3500 रुपये ज्वार का MSP है और अन्य बाकी हमारी जो मुख्य दूसरी योजना है सम्मान निधि की योजना, इसके यहाँ पे हमारे लाभार्थी इसका जिनके पैसे किसी कारणवश किसी कमी वश उनके फार्म में कोई कमी रह गई है या उनके डाटा में कोई कमी रह गई इस कारण पैसा नहीं आ रहा है, उनका भी हम मौके पर समाधान कर रहे हैं। हमारे अब तक लगभग 60 से 70 कृषक आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं।